सबकी उड़ान एक बार सभी को नमन कर रही है अपने साज को, बारी के बारी से आप सभी को ये हाथ जोड़ के अभिनंदन एक बार। अब थे बताओ कौन सा देव इधर जो भाई लोग पीछे खड़े हैं ना साथ में हाथ जोड़ के विनती करूंगा, परदेसी भाइयों अगर बड़ा या छोटा भाई मानते हो तो थोड़ा बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। पूरी रात का समय यार कितनी देर खड़े रहोगे आप ये बताओ मुझे। आपके खड़े रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोग खड़े हो एक मानवता के नाते आपको बोल रहा हूँ, आराम से बैठ के जागरण देखो भाइयों, आराम से बैठ जाओ प्लीज जी। शक्ति तू सामर्थ बड़ी 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 किस गति तू सामर्थ बड़ी अजब निराश हमारे आगे झुक गया मां ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्ति तू सामर्थ बड़ी अजब है थारो वेश, पर थारे आगे झुक गया मां ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्ति की बातें निराली है भक्तों, क्योंकि शक्ति के सामने तो ब्रह्मा और विष्णु महेश भी झुक गए थे। बड़ा सुंदर पद लिखा बोली कि जे 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 ज्वालामुखी। मैं रोज करता हूँ, लेकिन जो आनंद मातेश्वरी सामने आता है ना दादा, फिर से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी आगे बढ़ते रहो। तो बोली हे आजा भवानी आजा, हे मारी आ जाए दो करी आजा। अलग अलग जमाने का अलग अलग डांस है, अलग अलग पहनावा। मैं अजमेर से हूँ भैया, मेरी बोली अलग है, मेरी जो हमारा वेशभूषा गाना बजाना हमारा अलग है। अभी तक जो मैं गा रहा था वो आपके सिक्कर जिले का, सॉरी सिकावटी क्षेत्र का था, चूरू जिले का था। अब जो गाने जा रहा हूँ ये ढोल पर जो गाने की कला भक्तों, ये अधिकांशतः हमारे अजमेर जिले में गाई जाती है। सबका अलग अलग नजरिया है, सब तो वही है केवल भावनाएं हैं माता के प्रति। तो देखिए उसी अंदाज में सुना रहा हूँ। अरे आजा भवानी आजा,
ये नहीं बोलूंगा कि पूरी रात बैठ कर मैं सुनू आप, लेकिन जितनी देर भी सुनो, मैंने सबसे पहले कहा था दिल से सुनना, अंतरात्मा से सुनना और बिल्कुल भाव के साथ सुनना। तो बोले माता जी आज का पैटर्न चलता है, क्या करूं, ये बिरवड़ा की बच्ची है, बिरवड़ा सुनाई है ना।